भी हमें मानसिक प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी रहो, डिप्रेशन रहो, डर है, फोबिया है, भयगंड है, निराशा है, बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, सरदर्द करना, काफ़ी सारे आत्मविश्वास कमी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स के लिए आप कितने दिन दवाई खाएंगे। दवाई से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, मगर यदि आप आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको रीप्रोग्राम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं और वो जो हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ है उसको ठीक करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बिना दवाई का फ़ायदा होगा। तो इसके लिए फिर मैं आपको एक रिलैक्सेशन का टेक्निक अभी बता रहा हूँ, वो टेक्निक का इस्तेमाल आप करते हैं और आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। अफर्मेशन आप कोई भी दे सकते हैं, कुछ अफर्मेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो अफर्मेशन आप देंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। मैं अभी शुरुआत करता हूँ, आपने क्या करना है कि एक जगह बैठो, पीछे जो है सिर को दीवार के पास में बैठो ताकि सिर को पीछे से सपोर्ट मिलेगा और आपकी सिर इधर उधर झुकेगी नहीं। कुर्सी में रिलैक्स बैठना है, मोबाइल बंद करो, एयरप्लेन मोड में डालो ताकि आपको फोन नहीं आएंगे, आपके घर में कोई आवाज़ करेगा, बच्चे आएंगे तो वो नहीं करना है, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शांत बैठना है, सामने बहुत बड़ा लाइट मत रखो, जितना कम लाइट रख सकते उतना रखो, शांत वातावरण में बैठना है, रिलैक्स बैठना है और आपका ख्याल पूरा जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर रखो। अभी मैं बोल रहा हूँ, लाइव सेशन आपको दे रहा हूँ, आप ये लाइव सेशन ले सकते हैं। मैं आपको बार बार रिलैक्स ऐसा बोलूँगा तो आपने देखना है, करना है कि भाई आप एक एक्सपीरियंस करना है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, रिलैक्स, शिथिल हो रहा हूँ, एकदम रिलैक्स। मैं बोलूँगा स्लीप तो आप ऐसी कल्पना करना है कि आप सो रहे हैं, मैं बोलूँगा डीप तो ऐसी कल्पना करना है कि आप गहरी गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं, आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है। तो रिलैक्स, स्लीप और डीप, ऐसा मैं बोलते जाऊंगा, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स, 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 दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर, दोनों हाथ, पेट, कमर, पीठ, सीना, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स करो, जबड़ा, गाल, आंखें, पूरा बदन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स करो। लंबी और गहरी सांस लो और आराम से उसको छोड़ो। लंबी गहरी सांस अंदर लेना है, जितनी डीप ले सकते हो उतनी डीप लो और आराम से वो सांस को धीरे 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 छोड़ना है। मैं भी कुछ आपको सूचनाएं दे रहा हूँ, वो सूचना सुननी है और उसके साथ साथ आपने कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, उसकी तस्वीर बनाना है, वो तस्वीर में आप ऐसी कल्पना करना है, उसका पिक्चर बनाना है, इमेज बनाने की है, एक्सपीरियंस करना है, विजुलाइज करो। कुछ अफर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो अफर्मेशंस आप बार बार सुन सकते हैं। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। मन में बार बार नकारात्मक विचार जो आपके आते रहते हैं उसको आप देखते रहेंगे, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, आप अलग हैं और विचार अलग है। और जब जब ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं तो आपने सकारात्मक विचारों का निर्माण अपने मन में करना है, अपने आप से करना है। आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आप पॉजिटिव थिंकिंग दिन ब दिन करते जा रहे हैं। हर एक दिन ब दिन हर क्षेत्र में आप तरक्की कर रहे हो, हर दिन हर क्षेत्र में दिन ब दिन आपकी तरक्की हो रही है। एवरी डे इन एवरी वे यू आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। अभी मैं जो आपको सूचना दे रहा हूँ वो आपने खुद ने मैं ऐसा बोल के लेना है। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा रहता है, मैं जो भी करता हूँ उन सब में मुझे सफलता मिलती है, मैं समृद्धि का पात्र हूँ, मैं धन को आकर्षित करने वाला हूँ, मेरे पास पैसा आसानी से और बिना प्रयत्न से आता है, मेरी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मैं अपने बिल खुशी से चुकाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि
कि प्रचुरता का प्रवाह निर्विघ्न मेरी ओर आ रहा है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ, मैं अपनी क्षमताओं का आदर करता हूँ और हमेशा अपनी पूरी शक्ति से कार्य करता हूँ। मैं अपने आप को लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। मैं हमेशा सोच समझकर पैसा खर्च करता हूँ। मेरे पास हर काम के लिए हमेशा पर्याप्त पैसा होता है। मैं जो भी काम करता हूँ उसका मुझे फल मिलता है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं जो भी करता हूँ उससे मैं स्वस्थ होता हूँ। मैं खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करता हूँ। मैं दिन ब दिन हर क्षेत्र में तरक्की करते जा रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी समस्या का सामना मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकता हूँ। हर रात को मुझे गहरी गहरी नींद आती है और सुबह उठने के बाद मुझे दिन भर बहुत ही फ्रेश लगता है, उत्साहित लगता है, एनर्जेटिक लगता है। आपने गहरी गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस अंदर लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। धीरे से अभी आप आंखें खोलेंगे, आंखें खोलने के बाद आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, खुश लगेगा। धीरे से आंखें खोलो। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह आपने ये सेशन लेना है, ये सेशन की आप प्रैक्टिस करो। विजुअलाइजेशन जो है ये इसकी की है, चाबी है। इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये इसकी चाबी है। सिर्फ सुनना नहीं है, आंखों के सामने वो चित्र का निर्माण करना है। थैंक यू वेरी मच।